वास्तविकता में यहाँ पे जो नारियल पानी पीने को मिला, बिल्कुल दिल मेरा बाग बाग हो गया इस नारियल पानी को पी के। देखिए, जैसा आपने मूवीज में देखा है, नारियल लेके आते हैं और यहाँ पीने को मिल रहा है। 15वीं शताब्दी में ये जो श्रीरंगपट्टनम है, ये किला बंद हुआ था टीपू सुल्तान के समय, और ये मैसूर की राजधानी था। क्योंकि ये जो किला अभी आपने जो देखा, किले से जहाँ से हमने एंटर किया है, ये मैसूर के बाद सबसे सुरक्षित जगह थी। और यहाँ का जो किला है, जो किला श्रीरंगपट्टनम का है, वो दोहरी दीवारों से बना हुआ है। इतना सुरक्षित किला मैसूर के पास नहीं था, इसीलिए इसे सुरक्षित स्थान के रूप में प्रयोग किया जाता था। और उसी फोर्ट के अंदर, उसी किले के अंदर ये 9वीं शताब्दी में बना हुआ इतना विशाल का भव्य मंदिर है, जो आज हमें देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और अब हम आगे की ओर चल के देखते हैं कि किस प्रकार की उस समय जो कलाकृति की गई थी 9वीं शताब्दी में, क्योंकि वैष्णव संप्रदाय के लिए ये काफ़ी ज़्यादा महत्व रखता था, और अभी भी दक्षिण भारत में इस मंदिर का काफ़ी ज़्यादा महत्व है। यहाँ से मंदिर का ये प्रवेश द्वार है, यहाँ से हम मंदिर के आगे की ओर चलेंगे। और जो आप इतनी भव्य कलाकृति देख रहे हैं, ये 9वीं शताब्दी में की गई है। इसको देख के बिल्कुल आप विस्मय से ओतप्रोत हो सकते हैं। और साथ में ही यहाँ पर आपको मार्केट मिल जाएगी, तो मंदिर से बाहर निकलने के बाद आप अपने ज़रूरत की कुछ सामान यहाँ से खरीद सकते हैं। पुराने साहित्य की चीज़ें भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। दोनों साइड यहाँ पर स्ट्रीट बनी हुई है। और यहाँ से अब हम मंदिर की अंदर की ओर चलते हैं। ये भी संरक्षित स्मारक के रूप में यहाँ पर कुछ जानकारी दी गई है। जूते रखने की जगह यहाँ पे बताया गया है। और ये किले के बारे में जानकारी है या मंदिर के बारे में जानकारी है, ये भी चल के मैं एक बार देख लेता हूँ। प्रोडक्शन नोटिस बोर्ड, ये भी प्रोडक्शन नोटिस बोर्ड लगा हुआ है भारतीय पुरातत्व संरक्षण के हिसाब से। और दरिया दौलत बाग हम घूम चुके हैं, जामिया मस्जिद हमने रास्ते में देखा था, टीपू का मृत स्थल अभी हम जाएंगे, टीपू सुल्तान का लाल महल, रंगना स्वामी मंदिर, हम अभी यहाँ पे 9वें स्थान पर पहुँच गए हैं। और यही रंगनाथ स्वामी मंदिर है। रंगनाथ स्वामी विष्णु के अवतार को कहा जाता है, और उन्हीं के स्थान पर इस नगर का नाम श्रीरंगपट्टनम रखा गया। तो अब हम मंदिर के अंदर की ओर प्रवेश कर रहे हैं। इस भव्य मंदिर को अंदर से देखने के बाद जो मैं विस्मयकारी अभी अनुभव कर रहा हूँ, आपको भी ऐसा ही अनुभव प्राप्त होगा जब आप स्वयं आएंगे। अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं थी, इसके कारण मैंने अंदर से फ़ोटोज़ नहीं लिए हैं, तो बाहर से ही आपको सारी जानकारी दे रहा हूँ। अंदर बहुत बड़ी विष्णु भगवान की मूर्ति है, और वो शेषनाग पर लेटे हुए हैं, जैसे कि आपने फ़ोटो देखा हुआ है। और साथ में एक लक्ष्मी माता का भी मंदिर बनाया हुआ है, और कई सारी मूर्तियां आपको देखने को मिलेगी। भारी चट्टानों को काटकर बनाया गया ये मंदिर, इसके अंदर आप जब जाएंगे तो आपको एक अलग ही ठंड का अनुभव होगा, क्योंकि गर्मी इसके अंदर हो ही नहीं सकती, बिल्कुल भी नहीं हो सकती है। असंख्य पिलर हैं इसके अंदर, मैं तो गिनती भी नहीं कर पाया, इतने ज़्यादा हैं। और आपको देख कर ये प्रतीत होगा कि उस समय जो राजा महाराजा थे 9वीं शताब्दी में, मूर्ति कला में और मंदिरों में कितना ज़्यादा पैसा इस्तेमाल करते थे। और ये एक भव्यकारी मंदिर देखने के बाद मैं तो यही रिकमेंड करता हूँ कि आपको दक्षिण भारत में मंदिर देखने अवश्य आना चाहिए। यहाँ की जो मूर्तियों की कलाकृति है, वो वास्तविकता में देखने लायक है। और आप ये देख सकते हैं द्वार पे जो हाथी लगा हुआ है, इस हाथी के ऊपर की जो ये कारीगरी, ये पूरे के पूरे किला को काट कर इस प्रकार की कारीगरी की गई है, ये अपने आप में वास्तुकला का बहुत ही उम्दा नमूना है, जो कि मैंने उत्तर भारत के मंदिरों में नहीं देखा।
ये मुझे दक्षिण भारत में आके बहुत ही अलग सा अनुभव प्राप्त। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना।